तुम? हाँ मैं। प्रीता मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने आ गई। तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है? आज लूथरा हाउस में माहिरा के मॉम की बर्थडे पार्टी चल रही है। लोग पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक भी कटने वाला है। लेकिन मुझे लगा तुम यहाँ पर बोर हो रही होगी ना, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। जेल में रहने की आदत नहीं है ना तुम्हें? वैसे तो तुम्हें खुद के घर में रहने की भी आदत नहीं थी, तभी तो जब देखो तब लूथरा हाउस में अपना मुंह उठाकर आ जाती थी। इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए मैं आज यहाँ पर आ जाऊँ। एक्चुअली बर्थडे केक तो एक बहाना था, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना था। मैंने सबको कह दिया कि मैं केक लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं डेस्परेटली तुमसे मिलना चाहती थी। तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी। मुझे कोई गुड न्यूज़ नहीं सुननी। अपनी बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ अपने साथ रखो और जाओ यहाँ से। ये क्या बात हुई प्रीता? मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आई हूँ और तुम पागलों जैसे बिहेव कर रही हो। अरे न्यूज सुनाने आई हूँ तो सुना कर ही जाऊंगी। ये अरे क्या है, न्यूज तो सुन लो यार। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मैंने लूथरा हाउस यानी कि अपना ससुराल छोड़ दिया, मतलब छोड़ के अपनी मॉम के घर चली गई। वो क्या है ना, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और तुम तो मेरा गुस्सा जानती हो, कभी कभी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर देती हूँ और इंस्टेंटली भी रिएक्ट कर देती हूँ। तो जैसे ही मुझे गुस्सा आया मैंने रिएक्ट कर दिया और घर छोड़ के चली गई। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी सासू माँ यानी कि तुम्हारी राखी आंटी और करीना बुआ दोनों मुझे लेने मेरे घर आ गए, हाथ पैर जोड़े और बोले प्लीज शर्लिन हमारे साथ वापस लूथरा हाउस चलो। और मैं चली गई। देखो अब तक तुम ये तो समझ गई होगी ना कि मैंने घर छोड़ने का पूरा ये ड्रामा किया था, तुम तो मुझे जानती हो ना। लेकिन मैंने जो कुछ किया ना परफेक्ट टाइमिंग के साथ किया, और जैसा मैं चाहती थी उन लोगों ने वैसा ही किया, मुझे घर ले गए। ओह गॉड, उससे भी इम्पोर्टेंट बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई। जैसे ही मेरे पैर लूथरा हाउस में पड़े ना, तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? हमें न्यूज़ मिली कि मेरे ससुर जी उनकी सांसें ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो मैं तुरंत गई और मुझे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया था, वो इंजेक्शन मैंने उन्हें दे दिया और तुरंत उनकी सांसें नॉर्मल हो गई। उसके बाद क्या था, मेरी सासू माँ वो बच्चों की तरह रोने लग गई, मुझे से बाहों में भर लिया और पता नहीं कितनी बार, मतलब मैं तो काउंटिंग भी नहीं कर पाई उतनी बार उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। और तुम्हें पता है सिर्फ राखी लूथरा नहीं, पूरा का पूरा लूथरा परिवार उनका चेहरा देखने लायक था। वो क्या मेरे एहसानों के तले दब गए ना, तो वो लोग मुझे कुछ बोल ही नहीं पाए, सबके मुंह पर ताले लग गए। क्वाइट। और उससे भी लेटेस्ट खबर दूं क्या, लूथरा परिवार का हर एक सदस्य तुमसे नफरत करता है। उनके दिलों में जो तुम्हारे लिए प्यार था ना, वो भी खत्म हो गया। अरे ऑफ कोर्स, वो लोग महेश लूथरा को तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। आखिर तुम हो कौन? आज तो उन लोगों ने लाइव टेलीकास्ट देखा है महेश लूथरा की हालत का। वैसे तुम जानना नहीं चाहोगी कि असल में पापा जी को क्या हुआ था? खैर छोड़ो, वो सब तो बाद की बात है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, बाहर लोग ना तुम्हारे बिना हंसी खुशी जी रहे हैं। लोग जितना तुमसे प्यार करते थे उतनी नफरत मुझसे भी करते थे ना, बट अब सब कुछ बदल गया है। लोग अब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे रिस्पेक्ट क्या, वो लोग तो मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने महेश लूथरा की जान बचाई है ना, अब तो मैं पूरे लूथरा परिवार की जान हूं। मजा आ गया। हो गई तुम्हारी गुड न्यूज, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। अरे जाने से एक चीज याद आई, तुम भी कल यहाँ से जाने वाली हो ना। इस छोटी सी जेल से निकल गई एक बड़ी सी जेल में, क्योंकि तुम पे जो इल्जाम लगा है कल वो कोर्ट में साबित हो जाएगा और तुम्हें मुल्जिम घोषित कर दिया जाएगा। एनीवेज सब मेरा वेट कर रहे होंगे, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय। रुको, अब जब तुमने इतनी गुड न्यूज सुनाई दी तो फिर एक गुड न्यूज मेरी भी सुन दीजिए। करण मुझे मिलने यहाँ आया था और उसने मुझसे वादा किया है
कि वो मुझे जेल से बाहर निकलवाएगा। सिर्फ बाहर नहीं निकलवाएगा, वो मुझ पर लगे हर इल्जाम को मिटाएगा और मुझे इस केस में क्लीन चिट दिलवाएगा। अरे प्रीता अरोरा, तुम कितनी इनोसेंट हो, कितनी नाइव हो। तुम दी करण लूथरा पे विश्वास कर रही हो। एक फ्री की एडवाइस दूं, इंसान को इतना विश्वास तो खुद पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब इतना विश्वास करता है ना किसी पर, तो जब विश्वास टूटता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, और वो ही दर्द और तकलीफ तुम्हें भी होने वाली है, क्योंकि करण तुम्हारा विश्वास तोड़ देगा। तुमने उसकी होने वाली बीवी को मारने की कोशिश की है। What? Shut up! तुम जाओ यहां से, कांस्टेबल लेके जाओ इसे, वैसे भी मुझसे मिलने का टाइम खत्म हो गया, जाओ। ओहो, क्यों क्यों इतना नाराज हो रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह पे सारी सच्चाई बता रही हूँ। मेरी बात मानो, तुम्हारे दिल में जो करण के लिए विश्वास है ना, उतना विश्वास मत करो उस पर। तुम्हें पता है तुमसे वो जो मीठी मीठी बातें करता है, तुम्हें अपने दिल के करीब रखने की कोशिश करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि तुम उस पर विश्वास करो, उस पर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओ, और अपने केस के लिए कोई अच्छा सा वकील ना ढूंढो, और उसके बाद वो तुम्हारे विश्वास, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा केस सबको पलट के रख देगा। उसके बाद पता है क्या होगा? तुम उसके दिल से, उसकी जिंदगी से, उसके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगी, लंबे समय के लिए जेल चली जाओगी। और तुम जैसी जेल जाओगी ना, उसके बाद कुलदेवी की पूजा है। तुम्हें पता है ना कुलदेवी की पूजा में क्या होता है? नहीं पता प्रीता अरोरा? कुलदेवी की पूजा में होने वाला पति और होने वाली पत्नी साथ में बैठते हैं, यानी कि तुम्हारा एक्स पति या पति जो भी, करण लूथरा और माहिरा, वो दोनों बैठने वाले उस पूजा में। पंडित जी वो उनके हाथ में कलावा बांधने वाले। वो क्या, पंडित जी कह रहे थे कि उसे बांधने से बुरी नज़र वाले दूर रहते हैं। अब उन्हें क्या पता, काली नज़र वाले इंसान तो खुद जेल में है। सॉरी प्रीता, तुम जेल में हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इस पूजा में इनवाइट करती। मेबी नेक्स्ट टाइम। तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। कांस्टेबल, जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है मुझे धक्का देने की? तुम्हें पता नहीं है, आज ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। वो जो तुम मुझसे सवाल हमेशा पूछती थी, आज नहीं पूछोगी कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप कौन है? कौन है? वैसे लोगों की नजरों में तो इतना तो मुझे पता है, ऋषभ जी तो नहीं। तो चलो आज मेरे मुंह से मेरे होने वाले बच्चे के बाप का नाम तुम सुन ही लो। हो सकता है ऋषभ जी हो सकता है ना भी हो। अच्छा सॉरी, मैंने सोचा था तुम्हें आज नाम बता ही दूं, लेकिन मुझे रमोना आंटी के बर्थडे का केक लेने जाना है। से भी तुमने कहा ना कि तुमसे मिलने का टाइम ओवर हो चुका है, तो मेरे पास भी टाइम है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। ओके, ठीक है, ओके बाय। Happy birthday to you.
कितना अजीब लग रहा है ना सब कुछ सैमी भाई। आई मीन हम दोनों जानते हैं कि शर्लिन अच्छी लड़की नहीं है, शुरुआत से जानते थे, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं इस लड़की को, क्या कहूं इसे, अच्छी कहूं बुरी कहूं क्या कहूं। कृतिका, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि शर्लिन बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा महेश चाचू की जान बचा के उसने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया। एक्सक्यूज मी ऋषभ जी, वो करीना बुआ ने मुझे कहा था कि ओम प्रकाश पंडित जी को बुलाना है, कल कुलदेवी की पूजा है ना उसके लिए, तो आप फोन करेंगे कि मैं कर दूं? नहीं नहीं, तुम अपने हिसाब से उनको बुला लो, सब अरेंजमेंट्स भी करवा लेना। जी ठीक है। मम्मी जी बहुत रात हो गई है, आप थक गए होंगे, प्लीज जाके आराम कर लीजिए, मैं अभी आई। राखी, आई मस्ट से शर्लिन बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी बहू मिली है तुझे। गजानन, कल कोर्ट की हेयरिंग का क्या टाइम है? सर 3:30। ठीक है जी मैडम। जी बोलिए जी। लॉयर से बात हो गई मेरी, उसने उनका केस भी ले लिया। प्रीता का केस बिल्कुल वैसे लड़ेगा जैसे आपने बोला था, और प्रीता की माँ को मैंने उसका नंबर भी दे दिया था। गुड जॉब इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। और हाँ, अपनी बीवी को कॉल करना मत भूलिएगा, आपकी फीस उन्हें मिल चुकी है। जी जी मैडम, शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मिस्टर शर्मा, वो लॉयर पैसे तो लेगा सरला से, लेकिन केस लड़ेगा मेरे लिए, प्रीता की हार और मेरी जीत। अब क्या किया शर्लिन? कुछ नहीं, प्रीता ये मुसीबत से बाहर कभी ना निकले इसका इंतजाम किया। देखना मायरा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रीता को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने नहीं दूंगी। किया क्या है तुमने? करना क्या था, मुझे पता है कि जब प्रीता कोर्ट जाएगी, जज के सामने खड़ी होगी, जज इतना बेवकूफ तो नहीं है कि बिना एविडेंस चेक किए जजमेंट उसके अगेंस्ट दे दे। अगर उसने गलती से भी अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाया ना, उसे पता चल जाएगा कि ये सब नकली है। तो मैंने प्रीता की लाइफ में एक लॉयर फिक्स कर दिया जो मैंने चूज किया है। अरे सरला को लगा होगा कि वो लॉयर थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन कम से कम मेरी बेटी को जेल से बाहर तो निकाल देगा। और तुम्हें पता है ये सब मैंने कैसे किया? कैसे? इंस्पेक्टर की मदद से। लॉयर के साथ साथ मैंने इंस्पेक्टर को भी खरीद लिया, और वो इंस्पेक्टर ने ही सरला को वो लॉयर सजेस्ट किया। अब सरला को लगा होगा कि इंस्पेक्टर साहब ने सजेस्ट किया तो बहुत अच्छा होगा, मेरी बेटी को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल लेगा। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, वो पैसे लेगा सरला से, लेकिन केस मेरे लिए लड़ेगा। लेकिन शर्लिन, तुमने ये पूरा प्लान बना लिया, इसे एग्जीक्यूट भी कर लिया, इतना बड़ा रिस्क है ये, तुम्हें डर नहीं लगता? माहिरा, जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा रिस्क। प्रीता नाम की मुसीबत को मेरी लाइफ से हटाने के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को रेडी हूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ, समझे तुम? और माहिरा, हम जब किसी के खिलाफ लड़ते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या खोएंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या पाएंगे, कैसे पाएंगे, कैसे जीतेंगे। ऋषभ, कल प्रीता की कोर्ट में हियरिंग है यार। आई मीन तुझे क्या लगता है मेरे पास कुछ भी ऐसा जिससे प्रीता को बचा सकते हैं? करण, मैं भी वही सोच रहा था, मुझे नहीं लगता कि तेरे पास कुछ भी है प्रीता जी को बचाने के लिए। नथिंग। लेकिन यार मुझे प्रीता को बचाना है यार। मैं जानता हूँ तू उनको जेल से बाहर निकालना चाहता है, पर सवाल तू ये उठा रहा है, तू कैसे निकालेगा उनको बाहर? कुछ सोचा है तूने, कोई रास्ता, कोई आइडिया, कुछ भी जिससे तू उनको बाहर निकाल सकता है? लॉयर? नहीं, मैं लॉयर हायर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो लॉयर अंकल का
जो सजेशन था उसकी बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात करता हूँ। देख, मायरा ने अगर अपना कोर्ट केस वापस नहीं लिया तो, अगर उसने कोर्ट में ये बोल दिया कि प्रीता जी ने ही सब कुछ किया तो। करण देख, मायरा इस वक्त गुस्से में है, वो नाराज है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी वजह से मायरा अपना केस वापस लेगी। अरे यार कुछ भी हो, लेकिन मैं प्रीता को सजा नहीं होने दे सकता यार। वो इतनी भोली, इतनी मासूम है, इतनी तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि तू क्या बोल रहा है करण। मैं जानता हूँ तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यार अगर मायरा के ऊपर डिपेंड करता ना कि प्रीता को सजा होगी या नहीं होगी, तो मैं खुद मायरा से बात करूंगा। करण तू बात कर लेगा, वो बात नहीं है। मैं तुझ पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है मेरे भाई। चाहे आसान हो या ना हो, मैं बात करूंगा मायरा से। मायरा के ऊपर डिपेंड करता ना। मैंने प्रीता को वादा किया है कि मैं उसे जेल से बाहर निकालूंगा किसी भी कीमत पर, वो भी क्लीन चिट के साथ। लेकिन कल क्लीन चिट तो पॉसिबल नहीं है। मायरा का बयान तो है ना, अगर वो कोर्ट में ये कह दे कि प्रीता बेकसूर है तो वो बाहर आ जाएगी, राइट? मैं बात करूंगा मायरा से और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे मना नहीं करेगी। जस्ट गो एंड रेस्ट। जा जा। भगवान जी, आप जानते हो ना, मैं अपने लिए कभी आपसे कुछ नहीं मांगता, पर कुछ भी करके ना प्रीता जी और उनकी फैमिली को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लो। वो बहुत बहुत ही नीक लोग हैं यार, प्लीज। ये कुमकुम भाग्य हॉल के पेपर्स हैं, आप चाहें तो एक बार देख लीजिए। पेपर्स तो बिल्कुल ठीक है बहन जी, कौन है? ये पैसे ब्याज पे देते हैं, लगता है तेरी माँ पैसे उधार ले रही है। आपसे एक गुजारिश है, अगर कल सुबह आप थोड़ा जल्दी पैसे दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। एक मिनट अंकल। ये तो कुमकुम भाग्य हॉल के पेपर्स हैं। माँ, ये सृष्टि कागज इन्हें दे दे। सृष्टि, आप कल सुबह पैसे जल्दी दे दीजिएगा प्लीज। जी बहन जी। हाँ माँ, आपने कुमकुम भाग्य हॉल गिरवी रख दिया। हाँ, वो हॉल तो आपका सपना है ना, आपकी पूरी लाइफ है, आपने अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रख दी। क्यों? प्रीता को जेल से बाहर निकालो, कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही था ना। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मुझे यही तरीका सही लगा, इसीलिए मैंने हॉल गिरवी रख दिया। माँ, कम से कम आप मुझे तो बता देते। क्यों, क्या हो जाता बताकर? और क्यों बताती मैं तुम लोगों को? मुझे किसी ना किसी तरीके से प्रीता को जेल से बाहर निकालना था, और यही रास्ता मुझे सही लगा। कोई और रास्ता मेरे सामने था ही नहीं। मैं मानती हूँ कि कुमकुम हॉल में मेरी जान बसती है, कि प्रीता मेरी जान है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उसे, और इस समय वो जेल में, हम लोग यहाँ घर पर हैं, लेकिन वो उस जुर्म में जेल में है जो उसने कभी किया ही नहीं। क्या करती मैं? हाँ, वकील पैसे मांग रहा था और पैसों का इंतजाम इसके अलावा और कहीं से हो ही नहीं रहा था। देख, हॉल भेजा नहीं, गिरवी रखा है ना। थोड़े फंक्शंस होंगे, पैसे जमा हो जाएंगे तो वापस करके पेपर्स वापस ले लेंगे। लेकिन प्रीता को बाहर निकालना बहुत जरूरी है इस समय। यही तरीका था मेरे पास, और मेरी बच्ची, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती। मॉम, आप रॉक स्टार। मैं जी, ये सब करने से पहले मेरे ख्याल से एक बारी आप करण से बात कर लें। हो सकता है प्रीता को जेल से निकालने के लिए उसने कुछ और ही सोचा हो, पर ये भी हो सकता है कि वो इस केस को कोर्ट तक जाने ही ना दे, उससे पहले ही वो पुलिस स्टेशन में ख़त्म कर दे। अगर ऐसा हो गया फिर तो हमें किसी वकील की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।